15. С иностранцем. Yes. Hello. How are you? I am Dubai girl. Amazing. I want to go back here again. When snowing that time? Yeah. So you will recommend that? खड़ा हूँ इस वक्त हूँ मैं बिल्कुल मिडल में और इसका डर लग रहा है इसको छोड़ते हुए भी भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ इस वक्त भाई बिश्केक में, किर्गिस्तान में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी सो जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। मैं हूँ इस वक्त रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन मेरे लेफ्ट साइड पर, मैं आगे जा कर दिखाऊँगा आपको। मैं इस वक्त बैठा हूँ बस स्टॉप पर। तो मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, टू गीज यानी 2GIS एक मैप है जो इधर रशिया वाली साइड पे बहुत पॉपुलर है। तो मैं इसमें देख रहा था कि मैं आया तो बाय वॉक हूँ यहाँ पे, तकरीबन आधे घंटे की वॉक थी मेरे हॉस्टल से, तो मैं वॉक करके आया हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी है। मैं जा रहा हूँ स्काई ब्रिज जो टूर है वो 1300 में मैंने अपने हॉस्टल से लिया है। बाहर एक दो टूरिज़म कंपनी से मैंने चेक किया था, मुझे सेम प्राइस मिली है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि भाई अगर आप बाय बस आते हो, अगर आप यंडस लेके आते हो तो 200-250 में आप यहाँ पहुँच सकते हो। ये प्लेस है रेलवे स्टेशन, यहाँ पे बिश्केक के अंदर सिटी सेंटर में एक ही बिश्केक रेलवे स्टेशन पड़ता है। और यहाँ मैं देख रहा था बस का जो सिस्टम है उसमें है जी ट्रॉली बस। ट्रॉली बस ये जो बिजली के साथ चलती है, और जो दूसरी बस है वो भी है। ट्रॉली बस का नंबर एक ही है, वो एक ही चलती है शायद जो पूरे शहर में घूमती है। तो आप कहीं पे भी हो तो ट्रॉली बस लेके आप यहाँ आ सकते हो, टू गेस की लोकेशन डाल के। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे शटल बस जो चलती हैं 136 है, 199 है, 225 है, 243 है। और मेरी लोकेशन तो यहाँ से 4 स्टॉप है क्योंकि मैं इजी हॉस्टल में रुका हुआ हूँ, आपको पता ही है। तो भाई मैं इस मैप को थोड़ी सी समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कभी कभी जो है ना वो इंग्लिश नहीं शो होती है, रशियन लैंग्वेज शो हो जाती है। तो भाई मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, जा रहा हूँ मैं, ट्रिप दिखाऊँगा कैसा ट्रिप है, कैसी मेरी वहाँ का एक्सपीरियंस रहता है, कहाँ कैसा वहाँ का माहौल रहता है, वो सब मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा। मैं बस का इंतज़ार कर रहा था कि वो आ जाए तो फिर मैं चलूँ। जगह तो मैं देख आया हूँ, कन्फर्म नहीं है 100%, लगता मुझे वही है कि वहीं से बस पिक एंड ड्रॉप करेगी। यहाँ पे एक शॉप खुली हुई है, देखता हूँ यहाँ को खाने पीने वाली चीज़ है तो वो लेता हूँ। तो ये बस स्टॉप है और ये जो है ट्रॉली बस का जो है वो ट्रैक है। ये देख सकते हो आप ऊपर ये तारें लगी हुई हैं। बस आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों टाइप की बसें यहाँ से गुजरती हैं। तो सामने मुझे कोई कंटीन लगती है, चलते हैं वहाँ से चल के कुछ चाय पानी चेक करते हैं। तो ये यहाँ का माहौल है, मैं आपको दिखा दूँ जिस जगह पर आपने आना है। वो सामने पार्क है, ये ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग है ये रेलवे स्टेशन है। ये देख सकते हो सराउंडिंग एरियाज कुछ इस तरह के हैं। ये बस स्टॉप है, दोनों साइडों पे बस यहीं रुकती है, ये यहाँ पे और वहाँ पे। तो ये ज़रा जगह चेक कर लो, ये देखो बस यहाँ से घूम जाती है शायद, नहीं घूमती नहीं है, ट्रैक चेंज होता है शायद। तो ये इस तरह का माहौल है, इस तरह का सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में कुछ बड़ी बात नहीं है, ईज़िली आप लोग जो है ना इसको मैनेज कर सकते हो। तो चलते हैं, चल के नाश्ते का कोई प्रोग्राम देखते हैं, फिर बस में आपको दिखाऊंगा कि टाइमिंग तक मुझे आइडिया नहीं है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है, कहीं पे 11 लिखा हुआ है, बस इसी तरह ही है। तो वेरी सिंपल भाई, रेलवे स्टेशन की आप लोकेशन डाल के यहाँ आ सकते हो। यह है बिश्केक रेलवे स्टेशन, ठीक है जी। ये सामने बिल्डिंग है, वो सामने बस खड़ी है जिस पर हमने जाना है। तो भाई ये सामने पार्किंग है और ये सुपर मार्केट में जा रहे हैं सामान ख़रीदने के लिए, क्योंकि पूरा दिन वहाँ गुजारना है तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ की प्राइसेस कैसी हैं और क्या क्या लेना है वो भी चेक करते हैं। तो भाई ये सामान लिया है, ये कुकीज़ हैं, ये पीनट्स हैं, बनाना है, स्नैकर्स है, कॉफ़ी है और चॉकलेट है और सैंडविच है, कोक है और एक ये शायद दूध है या लस्सी है। तो यहाँ भाई तीन बनाना जो है मुझे 72 सोम में पड़े हैं, 72 सोम। देखते हैं टोटल बिल कितना बनता है। तो ये प्राइस है भाई, चेक कर सकते हो,
कितने कितने में पड़ता है? How much? Yeah. तो भाई सामान खरीद लिया, ये काफ़ी सारा है। वो बिल बना है इसका टोटल जो है 500 कुछ का बिल बना है। तो ये शॉपिंग मॉल है यहाँ, जहाँ से हमने शॉपिंग की है। खाना वाना सब लोग जा रहे हैं वापस अपनी बस की तरफ। वो खड़ी है बस, गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप पे। मैं भी वो देख रहा हूँ, मीटर पे 8 लीटर पेट्रोल पड़ा है 500 सोम में। तो 1 लीटर जो है तकरीबन 62.5 का है। पेट्रोल यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा सस्ता है अगर हम कंपेयर करें हमारी कंट्री को। तो भाई इस वक्त बज चुके हैं 12:10। तो 10:30 के हम निकले हुए हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लग गए हैं भाई 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे बाद हम जिप लाइन वाला जो ब्रिज है स्काई ब्रिज, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ से आपको स्काई ब्रिज दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा लूँ। यहाँ हमारी बस वो नीचे खड़ी है, सामान वहीं छोड़ दिया। मौसम ठीक है और व्यू थोड़ा सा मैं आपको ज़रा दिखा लूँ पहले। कैसा लैंडस्केप है, ये कमाल का लैंडस्केप है यार। वो सामने सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। वो सामने स्काई ब्रिज है, वो देख रहे हो। उसका शायद कुछ प्राइस भी है, पता नहीं। तो मैं ज़रा घुमा के आपको ये व्यू थोड़ा सा दिखा लूँ। तो जी ये है स्काई ब्रिज वाला। हाँ, अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए भी और आँखों को बड़ा सुकून मिलता है। तो भाई ये है नज़ारा यहाँ का, घुमा के मैंने आपको दिखा दिया है। तो थोड़ी सी फ़ोटो शोटो होती हैं, फिर चलते हैं देखते हैं। ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। तो ये है जी किर्गिस्तान बिश्केक का स्काई व्यू ब्रिज जो है उसका नज़ारा। और ये जो साइड है इसका व्यू सबसे बेस्ट इस वक्त मुझे लगता है। पता नहीं वहाँ से कैसा होगा, लेकिन यहाँ से ऐसा है, देख सकते हो पहाड़ियाँ। इस वक्त हरियाली जो ख़त्म हो रही है क्योंकि यहाँ पे विंटर शुरू होने वाला है, तो हरियाली तो इतनी ज़्यादा नहीं है। सुना है कहते हैं अगस्त में आना चाहिए। तो भाई चलते हैं नीचे की तरफ, ऊपर जाना आप स्काई ब्रिज की तरफ, वहाँ का सफ़र शुरू करते हैं। सब लोग चले गए हुए हैं, मैं अकेला ही पीछे रह गया हूँ। हेलो गाइस। हेलो हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? या माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। ये भाई यहाँ पे फ्लाइंग जिप के बारे में लिखा हुआ नंबर भी है, अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इस किस्म का दरवाज़ा है, ये क्यों है ऐसे मुझे नहीं पता, क्यों बाउंड्री बनाई हुई है इन्होंने। हाँ, तो अब जाना है भाई, वो है ब्रिज सामने उस ऊंचाई की तरफ।
तो देखते हैं कैसा माहौल रहता है। और साइड व्यू कुछ इस तरह का है, सांस फूल रही है, तो कुछ इस तरह का व्यू है। तो भाई यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है, ये साइड सीन है, देख सकते हो। तो भाई हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं 1:30 तक, तब तक यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये नीचे खाई है, वो सामने ब्रिज है और मैं हूँ यहाँ पे। पता नहीं ठीक रास्ते आया हूँ कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है। सांस काफ़ी फूल चुकी है, ये ट्रैक सा बना हुआ है, थोड़ा सा स्लिपी है। तो ये जी यहाँ का व्यू पॉइंट है, वो सामने ऊपर जाके भी फोटो लेंगे। ये सामने वाटरफॉल है, ये पहाड़ी कुछ इस तरह की है, सूरज इस तरफ से चमक रहा है, और ये सामने आपकी है ज़िप लाइन। चेक करते हैं कितने पैसे ये लेते हैं यहाँ से ज़िप लाइन वाले। तो यहाँ से ऐसे करके बंदा ऊपर जा सकता है। तो ये यहाँ का पूरा माहौल है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। शायद ज़िप यहाँ से ली जाती है मेरे ख्याल में, ये उसी का ट्रैक बना हुआ शायद, पता नहीं भाई, लेकिन 100%। तो मैं हूँ इस वक्त स्काई ब्रिज वाले व्यू पॉइंट, वो वहाँ पे भी व्यू पॉइंट, वहाँ पे भी जाना फ़ोटो लेनी है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा दूँ, ये सामने ब्रिज है, बड़ा डेंजरस सा ब्रिज है, लेकिन इसका एंट्रेंस फीस है, देखते हैं कितने का है। वो सामने वाटरफॉल भी चल रहा है, थोड़ा डर डर सा ही लग रहा है। चलो चलते हैं वापस। तो भाई 8 लोग इस पे से जा सकते हैं, ये नीचे फट्टा लगा हुआ है, तो इसके वी नीड टू पे हियर? नो नो नो, इट्स फॉर फ्री। ओके, थैंक यू फॉर मी, इट्स रियली। आर यू ट्रैवलिंग ओनली वन? या आई एम वन। तो भाई ये इसका कोई चार्जेस नहीं है। थोड़ा सा डर रहा हूँ क्योंकि नीचे सिर्फ एक ही फट्टा है, और देख देख के चल रहा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। 8 लोगों को सिर्फ इंटर होने देते हैं, 8 से ज़्यादा लोग इंटर नहीं हो सकते। तो भाई साइडों पे है खाई, और हम जा रहे हैं इस ब्रिज से उस खाई की तरफ। ये भाई जो रस्सा इन्होंने नीचे दिया हुआ है ना, ये शायद इसको सपोर्ट देने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। तो हमने जी यहाँ इसके बीच बैठ के फ़ोटो खींचनी है। आगे का माहौल भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जा लूँ। तो जी ये है आगे का माहौल, 2 लड़कियाँ जो हैं सामने फ़ोटोग्राफी कर रही हैं। अगर मैं इनके पास चला गया तो इनको बोलूँगा मेरी भी फ़ोटो लो। ओह, यहाँ पे डर बढ़ जाता है यार। या यहाँ पे काफ़ी खौफ आ रहा है क्योंकि ये हिल रहा है, पर इसकी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन चलते हैं। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, लाइफ में फर्स्ट टाइम। नीचे देखो खाई है, कुछ इस तरह का माहौल है ये। यार डर रहा हूँ मैं तो, मेरे आसपास भी कोई नहीं है जो थोड़ा सा हौसला दे दे, थोड़ा सा स्केरी है। लेकिन अब थोड़े लोग कम हो गए, ये हिलना भी कम हो गया है, लेकिन यार ये अच्छा एक्सपीरियंस है, इट्स नाइस एक्सपीरियंस। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे ब्रिज से जा रहा हूँ, मैंने अक्सर ब्रिज देखे हैं, छोटे छोटे तख्तों वाले अजीबोगरीब से ब्रिज, लेकिन इस तरह के ब्रिज पे मेरा ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा रुकता हूँ, रुक के हलाना। तो भाई घुमा के दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। इस वक्त हूँ मैं बिल्कुल मिडल में, और इसका डर लग रहा है इसको छोड़ते हुए भी भाई। तो ये है मेरी बैक साइड जहाँ मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं आया हूँ, अभी घुमा के दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाए कि मैं कैसी जगह पे कैसे वॉक कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी में सबसे लास्ट पे मैं हूँ, तो ये तकरीबन 5-10 मिनट का सफ़र है, लेकिन ये मेरे ख्याल में
एक साइड से आने देते हैं, दूसरी साइड से नहीं आने देते। मतलब अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ जा रहे हो, अगर आ रहे हो तो सिर्फ आ रहे हो। ये यहाँ का मामला है। सामने हमारे टूर गाइड भाई साहब जो हैं, दानियल भाई, वो खड़े हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। इंग्लिश उनको नहीं आती लेकिन ही इज़ वेरी फ्रेंडली। अच्छा लगा, ऐसे लोग भी होने चाहिए। वो इधर आ रहे हैं, लोग शायद वापस जा रहे हैं और मैं उधर जा रहा हूँ। थोड़ा सा डर निकल गया है। अच्छी रही है जर्नी और मैं पहुँच चुका हूँ लास्ट पे ऑलरेडी, दिखाता हूँ आपको। तो जी यहाँ ब्रिज का इख्तिताम हो चुका है, देख सकते हो। तो ये है जी एंड ऑफ द ब्रिज और आगे का माहौल कुछ इस तरह का है। पूरा ग्रुप वहाँ पे खड़ा है। ये है ब्रिज। तो ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से बनी हुई हैं यहाँ पे। तो जी इस तरह की सीढ़ियाँ जो चल के मैं जा रहा हूँ ऊपर, लकड़ी की बनी हुई हैं, देख सको शायद कैमरे में आप लोग। तो भाई नज़ारा पीछे का आप देख चुके होंगे क्योंकि मैं फ़ोटो में देख चुका हूँ। तो कुछ इस तरह का माहौल है। नीचे वो ब्रिज नज़र आ रहा है, हैं जी, देख सकते हो अगर आप लोग। तो वो ब्रिज मैं क्रॉस करके आया हूँ, अब चलते हैं ऊपर वाली साइड पे। तो इसी तरह की ये अब दूसरी सीढ़ियाँ बनी हुई आ गई। साइडों पे टायर हैं, क्यों हैं आई डोंट नो। आपको दिखाते हैं इस पहाड़ी का दूसरी साइड का व्यू जो हम नीचे से नहीं देख सके थे। तो एंजॉय कीजिए ये लैंडस्केप यहाँ से इस ऊंचाई से। सब लोग किधर गए हैं कोई आइडिया नहीं, लेकिन व्यू कितना कमाल का है आप लोग देख सकते हो। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। वो लोग नीचे तक गए हुए हैं। हाँ सांस फूली हुई है अभी तक यार, लेकिन मज़ा आ गया यार। पैसे पूरे हो गए भाई, मैं रेकमेंड करूँगा आओ। ये जो ब्रिज है ना, यही आपके पैसे पूरे कर देता है। इसके ऊपर जाने आने का एक्सपीरियंस जो है ना, वो बड़ा निराला है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ यार, अगर आपको कैमरा दिखा सका तो वो क्या चीज़ है। यहाँ थोड़े नीचे खाई सी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें ज़रा, zigzag करता हुआ रोड, अगर कैमरे में दिख सका तो, शायद नहीं, लेकिन चलें खैर। एक बार मैं आपको घुमा के दिखा दूं मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वादी कैसी है और यहाँ का माहौल कैसा है। तो इस तरह का मंज़र है यहाँ पे। और ये साइड जो है कुछ इस तरह की है। तो भाई आपका भाई इस वक्त खड़ा है तो सामने आबशार आ रही है, खुशनुमा बह रहा है। कैमरा तो शायद नहीं, लेकिन मेरी स्टोरी किर्गिस्तान की जाकर चेक कर लीजिएगा, फ़ोटोज़ में सब कुछ दिखेगा। तो एक ज़रा मैं आपको घुमा के पूरा व्यू एक बार दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाए कि इस वक्त मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये पत्थर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। डर लग रहा घूमते हुए। बैटरी का हो चुका है इख्तिताम, पता नहीं कितनी बनेगी। जितनी भी बनेगी भाई गुजारा कर लेना। ये है किर्गिस्तान बिश्केक। भाई वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। ये मेरे हाथ में चॉकलेट है जो बस में मुझे मिली थी हमारे टूर गाइड की तरफ से, लेकिन वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं। ओके हेलो गाइस, ओके आई विल कम। तो भाई अब हम जा रहे हैं नीचे वाटरफॉल की तरफ। आपको नीचे वाटरफॉल का व्यू दिखाएंगे। फिलहाल ये देखो
कि मैं जा तो भाई बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। मैं शायद आपको नीचे का व्यू ना दिखा पाऊँ, 1% रह गया है, लेकिन ये दिखा दूँ कि मैं कैसे नीचे जा रहा हूँ। तो भाई बैटरी बच गई थी यहाँ तक, तो मैंने सोचा आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू इस वाटरफॉल। तो भाई ये मेरे पीछे चश्मा देख लो, वाटरफॉल है क्या माहौल है, चेक कर लो। तो ये है जी यहाँ का, तो वहाँ से चल के मैं आया हूँ ऊपर से हाइकिंग करके, और ये यहाँ का माहौल है। तो ये है जी यहाँ का वाटरफॉल, पहुँचने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से पानी इधर जा रहा है। टॉयलेट जल्दी से दिखा दूँ, बैटरी का एंड है, ये देख सकते हैं। आवाज़ का डिफरेंस चेक करना, माइक की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, रम चुके हैं, वापस पहुँच चुके हैं बस के पास 2:45। तो भाई जिप लाइन पे पहुंच चुके हैं, शायद ये लास्ट स्टॉप है। लैंडस्केपिंग यहाँ की भी बड़ी प्यारी है। मेरा माइक जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, डिफरेंस आप लोग बताएंगे। माइक के बगैर, जो मेरे वायरलेस माइक थे उनके बगैर आवाज़ ठीक है या उसके साथ ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिप लाइन भी है और चेयर लिफ्ट भी है। चेयर लिफ्ट मैं ज़रूर लूँगा, जिप लाइन शायद मैं ना लूँ। तो वो सामने है जी चेयर लिफ्ट, अब अगर आप देख सको तो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये ट्रिप लाजमी लो, आपको दुख नहीं होगा। ये सामने पहाड़ चेक करो, बादलों से ढके हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों से भी और आइस से भी। तो चलते हैं एक राउंड लेते हैं उसका। तो भाई 2:30 हो चुके हैं अब, 2:26 ऑलमोस्ट। तो मैंने जिप लाइन की, ये जिप लाइन बोलते हैं लेकिन ये तो चेयर लिफ्ट है, पता नहीं अब आप क्या कहते हो। कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ का। 600 की टिकट है, 600। तो घुमा के थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। मेरे साथ मेरे टूर में बहुत अच्छे लोग हैं, ये 2-3 टाइप की हैं यार। ये क्या उधर क्या है इधर क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ वो भी है ये भी है, दिखाऊं आपको घुमा के कैमरा ज़रा, ये देखिए वो भी है और ये भी है। अब हमने किधर जाना है, आई डोंट नो। यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ, लोग खाना वगैरह खा रहे। तो भाई बैठने लगे हैं, ये स्टॉप कर देते हैं, फिर जो स्टॉप करने के बाद तो ये भी करना होता है भाई। तो चलने लगी है, ये रोक देते हैं और चला देते हैं। तो इसकी कोर्स है 600, और मेरे ख्याल में यहाँ से जाएंगे वहाँ से ऐसे वापस आएंगे। तो चलते हैं देखते हैं। हाई सर, कोई टेक वन फोटो फॉर मी, फोटो यू मेकिंग विद यू। भाई इस तरह का माहौल है, घुमा के दिखाते हैं आपको। पता नहीं वीडियो कैसी बन रही होगी, लेकिन अच्छा लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। इस किस्म की चेयर लिफ्ट मैंने पहली बार ट्राई की है। ये तो जिप लाइन कह रहे हैं, लेकिन शायद जिप लाइन से वहाँ नीचे जाना पड़ेगा, उसका मुझे आइडिया नहीं वहाँ क्या होगा, वो थोड़ा सा स्केरी है मेरे लिए, लेकिन लगता है मज़ा आएगा। वो भाई जिप लाइन से एक साहब को भेजा गया है ये एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं अभी। ये चल रही है भाई। अच्छा, इन्होंने ये सिस्टम जो है ना टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है कि जो लोग जो है ना आते हैं तो ये इसको चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, और ये जब रुकती है तो ऐसे ऐसे डोले खाने लगती है फिर चल पड़ी है। कैसे नाउ, हेलो
They are from Russia. I am enjoying. It's really nice. Do you like it? It's video for whom? For you guys. Do you have some maybe channel? Yeah, I have a YouTube channel. Yeah, I'm a vlogger. I am a blogger. And how much followers do you have? More than 3,000 now. So guys, subscribe my YouTube channel, Life of Hashmi. Tell them please subscribe. Bhai, this is what we are going to say. Zip line, the point. देखते हैं सब लोग करते हैं या सब लोग नहीं करते हैं। वेरी गुड वेल डन your feelings. Hey. А подождите минуту. Пойдемте, я вас посажу. Иногда люди обманываются. Прямо купить скотч. Камеру. Почему? Камеру купить скотч. Сейчас можно? Ноги прямо. Send up. Up, up, up. Okay. Up, up, up. Yes, okay. It's very scary. I did first time in my life. Okay. Thank you. Yes, sir.
तो भाई ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आई लव इट। डर लग रहा था लेकिन इंजॉय किया। तो बाबू उनका इंतज़ार मैं करूँगा, उनकी वीडियो बनाऊँगा, उन्होंने भी मेरी वीडियो बनाई है। Are you feel afraid? Are you feel afraid when it's come? Stand down. Up. Up. Yeah, more up. Up. Sorry. Are you feel scared? Huh? Are you feel scared? No, I like it. I've done it before. Really? Thank you. I was so much scared. How was your experience? Thank you. Yeah, amazing. I want to do it again. Oh, really? Yeah. I'm scared. My body is shaking. You're shaking? Okay. Thank you. Done. I'm a prepared. I don't know what to say. Guys, she's from Dubai. Okay, yeah. Let me start. She's from Dubai. And I want to ask her, she like the trip to Kyrgyzstan or no? Yeah, I like it. So amazing. I want to go back here again. When snowing that time? Yeah. So you will recommend them to come to Kyrgyzstan? Yeah, let's come here in Kyrgyzstan and... What do you think? It's expensive or no? No, it's very cheap here. Guys, come. And the visa is on arrival for UAE residents. But tell how much the visa? Hmm? How much the visa? Visa? How much is the visa? Okay. It's $50. $50 for everyone, guys. Yeah. Nice. And follow me also on Instagram. What is your Instagram? Danebzu. Danel? Danebzu. Denebzhu. Oh, all right, guys. Follow her in Instagram. जो खाना वाना साथ लिया हुआ था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। थैंक यू। तो भाई ये बस का नंबर और मैप, बस जो है वो फॉलो कर रही है मैप को, और मैं दिखाता हूँ आपको बस का नंबर कहाँ पे बस का नंबर। और अगर 24 में देखेंगे तो ये बस का नंबर आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो भाई ये है ट्रॉली बस और ये साइड पर नंबर लिखा हुआ होगा। इस तरह की छोटी छोटी बसें हैं जो आप ले सकते हो। मैं रोड का जंप मारूंगा या तो गलत ही है लेकिन छलांग मार ली। तो भाई 5:30 बजे बस ने वहाँ पहुँचा दिया था हमारी जो टूर बस थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनका हॉस्टल चेक करना था जिनके मैं साथ। तो भाई मैं दो लड़कियों के हत्थे चढ़ गया था, वो कह रही थी शादी कर लो। तो मैंने कहा भाई ये काम बड़ा मुश्किल है। खैर जी बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे बस में जान चढ़ाई, कैमरा उन्होंने मुझसे ले लिया, कुछ फ़ोटोज़ हैं बीच में। भाई बस में बस पूरी फुल है, जगह नहीं है इसके अंदर, आगे तक फुल है। Sorry. She don't like. No time to check you. Oh. No. Sam, hello. How are you? You vlogger. Я блогерша, у меня 1 000 000 подписчиков вообще-то в Инстаграме. А в ТикТоке 2 миллиона. How much? 18 1 18 1 No you me no. Ah no.
15. 15. Yes. Hello. How are you? I am Dubai girl. How are you? I am fine. So how are you? Chung. Chung? Chung. Одна моя улыбка чего стоит? Ну все, выключите. Эй, зачем ты его? Зачем ты? Он сейчас... तो भाई साहब हमने सिर्फ 15 सोम पे किए हैं, वहाँ से टैक्सी के 300 बन रहे थे। और टू गेस जो मैप है वो मैंने ट्राई किया, दैट्स ग्रेट टू ट्रैवल बाय लोकल ट्रांसपोर्टेशन। वो मैप आपको गाड़ी सिर्फ उस मैप के हिसाब से चलती है। ट्राई करो आप लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल बड़ी आसानी से कर सकते। मेरी तकरीबन सारी बैटरीज ख़त्म हो चुकी हैं, तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। लव यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल नए ट्रिप के साथ, नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।